दरअसल बीते दिनों सागर सिल्वानी स्टेट हाईवे 15 चांदौरी गांव के पास अपने पिता ब्रजेश प्रजापति के साथ सड़क पार कर रही 7 वर्षीय सौम्या प्रजापति को एक फोर व्हीलर वाहन ने टक्कर मारकर भाग निकला। गंभीर घायल सौम्या इलाज के दौरान बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में उसकी मौत हो गई, जिससे गुस्साए परिजनों ने सोमवार सुबह चांदौरी गांव के पास हाईवे पर जाम लगा दिया था। लगभग 3 घंटे तक जाम लगा रहा। मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष हीरा सिंह राजपूत और सागर SDM विजय डेहरिया पहुंचे। कल से कोई आओ नहीं है हमारे पास। दादा क्या नाम आपका? मान सिंह प्रजापति। दूर से बोलो। मान सिंह प्रजापति। अच्छा, क्या घटना हो गई? एक्सीडेंट हो गया। किसका? नातनी को। नातनी को? हाँ। अच्छा, कैसा किस वाहन से हुआ एक्सीडेंट? वो कहा क्या था? जीप से। हम ये मुझे शिकायत का जीप जीप जी हाँ जीप जीप से। हाँ। तो बच्ची शांत हो गई? हाँ। अच्छा, अब आपकी क्या मांग है? अरे आप होकर सुखिया सलाह मिले अपना। अच्छा सर, बच्चों ही लेके आ रहे थे भी यहीं से, सो जीप आई सो रोड के बगल में से, सो जीप मारा चली गई, सो बच्ची वहाँ पे गिरी। सो सर हमने तो देखी नहीं है बच्ची। 108 को फोन लगा तो वो कहने लगी हमें अब टाइम नहीं है, वो आई नहीं है 108। अच्छा। फिर एक पटेल आते हुए इनकी गाड़ी पे से बच्ची को जयसिंहगढ़ ले गए, जयसिंहगढ़ से डफर कर दा उसे सागर ले गए। अच्छा। तो रिपोर्ट लिखी नहीं है उनने, जयसिंहगढ़ में गए उनने रिपोर्ट नहीं लिखी आए। अच्छा। सर बच्ची शांत हो गई?